चला सरकारी बुलडोजर सार्वजनिक रोड पर जबरन कब्जे का था। आरोप, सरकारी कार्रवाई से बढ़ सकता है विवाद। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश सरकार में बने उर्दू गेट पर चला सरकार का बुलडोजर। जी हां, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का उर्दू गेट जिला प्रशासन ने गिरा दिया है। प्रशासन ने आजम खान द्वारा बनवाए गए इस उर्दू गेट पर बुलडोजर चलवाया। आरोप है कि सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने मानकों के विपरीत इस गेट को बनवाकर सरकारी जमीन यूनिवर्सिटी के कब्जे में ले ली थी, जबकि यह सार्वजनिक रोड थी। योगी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, उर्दू गेट को बुलडोजर से तोड़ा। सपा सरकार में आजम खान ने करवाया था निर्माण। आजम के ऊंचे कद को बताने वाला उर्दू गेट गिराया। आजम खान के बनवाए उर्दू गेट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सपा सरकार में नगर विकास मंत्री रहे आजम खान के उर्दू गेट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। आज दिन निकलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ 6 बुलडोजरों ने 3 घंटे में गेट ध्वस्त कर दिया। स्वार रोड पर आजम खान ने सपा शासनकाल में यह गेट बनवाया था। इस गेट की ऊंचाई बहुत कम थी, इस कारण ट्रक और बस भी यहां से नहीं निकल पाते थे। सपा सरकार में स्थानीय कद्दावर नेता होने के चलते किसी ने शिकायत नहीं की। भाजपा सरकार के आने के बाद स्वार क्षेत्र के लोगों ने कई बार शिकायत की। शासन ने SIT जांच भी कराई, जांच गेट में अवैध माना गया। किसी विभाग से अनुमति नहीं होने का जिक्र। शहरी क्षेत्र होने के बावजूद रामपुर विकास प्राधिकरण से भी स्वीकृति नहीं ली गई। गेट का निर्माण आजम खान की विधायक निधि और CNDS के सेटेंज से कराया गया था। इस मामले में जिलाधिकारी ने भी शिकायत का संज्ञान लिया। उन्होंने अपर जिला अधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। कमेटी ने जिला अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति की जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि कम ऊंचाई होने की वजह से वाहन नहीं निकल पाते थे। स्वार रोड PWD की है, लेकिन इस गेट को बनवाने के लिए विभाग ने भी अनुमति जारी नहीं की। जांच में गेट नियम विरुद्ध बताया गया। 3 घंटे में धराशायी हो गया गेट। आज सुबह भारी पुलिस फोर्स प्रशासनिक और PWD के अधिकारियों के साथ गेट पर पहुंची। तोड़ने के लिए 6 बुलडोजर लगा दिए। करीब 3 घंटे में गेट पूरी तरह ध्वस्त हो गया। करीब 2 घंटे में मलबा भी साफ कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान उर्दू गेट की तरफ से आने वाले तमाम रास्तों पर आधा किलोमीटर पहले ही पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और किसी को भी आने जाने नहीं दिया गया।